अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अगर आज आप ये समझ लें कि ह्यूमन किस तरह के मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों के पैटर्न्स का पता चल जाएगा कि वो किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे, क्योंकि मैं मोस्ट जो कॉमन 15 डिफेंस मैकेनिज्म है उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले पार्ट के अंदर मैं 7 डिफेंस मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं 8 डिफेंस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो व्यूअर्स, शुरू यहां से करते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताता हूं और इतना ही बताऊंगा कि आम इंसान को समझने में आसानी हो। व्यूअर्स, सिगमंड फ्रॉयड, जो कि एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और साइको एनालिसिस को फाउंड करने वाले थे, उन्होंने बेसिकली ये एक थ्योरी दी जिसके मुताबिक जो इंसान है वो जब स्ट्रेस और एंजाइटी या एक थ्रेटनिंग बिहेवियर का सामना उसे करना पड़ता है, तो वो एक अपने अनकॉन्शियस माइंड में से एक डिफेंस मैकेनिज्म का पैटर्न यूज करता है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और व्यूअर्स, उनकी अगर कहा जाए कि उनकी सबसे बड़ी साइको एनालिसिस के बाद कौन सी बड़ी एक एडिशन थी साइकोलॉजी की दुनिया के लिए, तो वो बगैर किसी ऑब्जेक्शन के माना जा सकता है कि डिफेंस मैकेनिज्म थी। लेटर ऑन उनकी बेटी एना फ्रॉइड ने भी इसके अंदर काफी ज्यादा एडिशन की। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक डिफेंस मैकेनिज्म जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। व्यूअर्स, डिस्प्लेसमेंट ये होती है कि अगर एक इंसान जो कि अपनी एंगर या अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो उसे रिसीव होती है किसी भी दूसरे इंसान से, उसको अगर वो उसी इंसान के ऊपर वापस नहीं निकाल सकता, तो वो करता ये है कि वो लेस थ्रेटनिंग लोगों के ऊपर अपने उस एंगर और अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान जो कि अपने बॉस के गुस्से को सुनता है और उसकी डांट को सुनता है, तो वो चूंकि अपने बॉस के ऊपर तो गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो वो करता ये है कि वो अपने घर पे जाता है और लेस थ्रेटनिंग लोगों जैसे कि अपनी बीवी या अपने बच्चों के ऊपर वो गुस्से को निकाल देता है। तो अगर आपको कोई भी इंसान इस तरह करते हुए नजर आए, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करा है। व्यूअर्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वो अनकॉन्शियसली कर रहा है, मतलब अनकॉन्शियस पैटर्न है जिसको वो अपने अमल में ला रहा है। व्यूअर्स, दूसरी डिफेंस मैकेनिज्म जो मोस्ट कॉमन है वो है डिनायल। व्यूअर्स, डिनायल आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, उसकी बहुत बड़ी एक एग्जांपल ये है कि अक्सर आप कभी किसी डेथ सेरेमनी पे जाते हैं, किसी फ्यूनरल को अटेंड करने जाते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि जो जिसकी डेथ हो गई होती है जिस इंसान की, उसके लवाहिकीन जो है वो उनमें से कुछ खासतौर पर औरतें जो है वो डिनायल में चली जाती हैं और वो अपनी उस स्ट्रेसफुल इवेंट को अवॉइड करने के लिए डिनायल का सहारा लेती हैं। और डिनायल में होता यह है कि वो बिल्कुल इनकार कर देती हैं इस बात से कि जिस इंसान को की बॉडी सामने पड़ी है वो इस वक्त फौत हो चुका है। तो अगर आपको कभी इस तरह से इंसान मिले जो कि डिनायल में हो और किसी भी सिचुएशन को वो मानने से इनकार कर दें, तो आप समझ जाएं कि ये इस वक्त अपनी एंजाइटी और अपनी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए डिनायल वाली डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा ले रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जब इंसानों को कोई भी ऐसी बीमारी डायग्नोज होती है जैसे कि डायबिटीज, तो वो एकदम उसको मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं है। व्यूअर्स, तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन ये होता है व्यूअर्स के कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट या कोई भी ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट जो कि आपकी जिंदगी में गुजर चुका हो, आप अनकॉन्शियसली उसे अपने सिस्टम में से बाहर रखते हैं, मतलब उसे अपने कॉन्शियस में नहीं आने देते। जैसे कि आपके वालिद की डेथ हो गई या आपके बहुत किसी करीबी इंसान की डेथ हो गई, तो आपको वो डेथ से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा आपके जिंदगी के मामलात में, आपकी रूटीन में, लेकिन आप उसका जिक्र किसी से नहीं करते और आप इवन अपने आप में भी उस सोच को बिल्कुल अनकॉन्शियसली उसको अपने सोच में से निकाल देते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद रिप्रेशन के साथ एक और डिफेंस मैकेनिज्म अटैच होता है सप्रेशन, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। और सप्रेशन में होता यह है कि इंसान कॉन्शियसली अपनी उस थॉट को सप्रेस करता रहता है, और सप्रेस करने का मतलब यह है कि उसको दबाता रहता है, उसको कभी अपनी सोच में नहीं लाता या उसको अवॉइड करता अपनी सोच में लाने के लिए, ताकि उसे एंजाइटी या स्ट्रेस या कोई भी किसी किस्म का ट्रॉमा फेस ना करना पड़े। व्यूअर्स, इसके बाद एक और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। व्यूअर्स, इसकी मिसाल यह है कि अगर एक इंसान किसी भी सुपरमार्केट या किसी भी बड़े स्टोर से कोई चीज चोरी कर लेता है,
तो वो अपनी उस गलती को या उस गिल्ट को रैशनलाइज करने के लिए ये दलील देता है अपने जमीर को कि क्योंकि ये स्टोर वाले भी तो बहुत कमाते हैं, तो अगर मैंने चोरी कर भी ली तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये एक रैशनलाइजेशन की टेक्निक है, डिफेंस मैकेनिज्म की, जिसको अक्सर आप लोगों को देखेंगे यूज करते हुए जब भी वो कोई इस तरह का काम करते हैं जिसके अंदर किसी का नुकसान हो, तो वो इसको रैशनलाइज करने के लिए ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, अगर इनका भी हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है। व्यूअर्स, इसके बाद एक डिफेंस मैकेनिज्म इंसान यूज करते हैं जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन, और नाम से जाहिर है कि एक इंसान प्रोजेक्ट करता है अपनी अंदर की फीलिंग्स को किसी दूसरे इंसान के ऊपर। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि अगर एक इंसान, जैसे कि मैं हूं, मैं दूसरे शख्स को बुरा समझता हूं, तो मैं बजाय इसके इस बात को मानने के कि मैं उसे बुरा समझता हूं, मैं समझ लूंगा कि वो मुझे बुरा समझता है, और महफिल में बैठ के भी ये मान सकता हूं कि मैं तो उस इंसान को बहुत अच्छा समझता हूं, इनफैक्ट वो मुझे बुरा समझता है। हालांकि ऐसी कोई बात असल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग का एक सोचने का तरीका है, अपने आप को तसल्ली देने का एक तरीका है कि मैं तो क्योंकि उसको बुरा नहीं समझता, वो इनफैक्ट मुझे बुरा समझता है। व्यूअर्स, इसके बाद एक डिफेंस मैकेनिज्म की टेक्निक है जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। और इंटेलेक्चुअलाइजेशन में होता यह है कि इंसान किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट अकर होता है तो वो उसको हैंडल करने की बजाय इंटेलेक्चुअली उसके कंपोनेंट्स को हैंडल करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर आपको एक न्यूज मिले कि आपके किसी बहुत करीबी शख्स की डेथ हो गई है, तो बजाय आप उसकी डेथ के ऊपर रोने के या रिएक्ट करने के या अफसरदा होने के, आप उस फ्यूनरल की तैयारी के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप और ये करते इसलिए हैं कि आप एंजाइटी और स्ट्रेसफुल इवेंट को उस तरीके से उसमें उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाह रहे होते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको रोना आएगा या आप बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करना शुरू कर देंगे, तो अनकॉन्शियसली आप उसके कॉम्पोनेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। व्यूअर्स, आज की लास्ट एक जो डिफेंस मैकेनिज्म की टेक्निक है, इट्स कॉल्ड आइसोलेशन। और आइसोलेशन जो है वो नाम से जाहिर है कि आइसोलेशन में इंसान अपने आप को आइसोलेट कर देता है और वो फेस नहीं करता किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल इवेंट को या किसी भी इंसान को जिससे उसे स्ट्रेस हो रहा होता है या किसी सिचुएशन को। आप अपने आजकल के माहौल में बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो कि आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को। लड़कियां खास तौर पे जब वो मेरे पास आती हैं तो वो बताती हैं कि हमने अपने बहुत अरसे से अपने आप को आइसोलेट कर रखा है और हम आइसोलेशन के अंदर जाके हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, और जैसे ही हम आइसोलेशन से बाहर आते हैं तो हमें फील होता है कि कोई थ्रेटनिंग इवेंट जो है वो अकर हो जाएगा, या हमें कोई ना कोई इंसान को टॉन्ट करेगा या सरकैज़म यूज करेगा या हमें कोई हमारी गलती के बारे में याद दिलाया जाएगा। इसीलिए वो आइसोलेशन की टेक्निक को यूज करके अपने आप को सेफ फील करवाते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने ये सात यूज डिफेंस मैकेनिज्म जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर इसमें से किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं बाकी आठ डिफेंस मैकेनिज्म की टेक्निक्स को एक्सप्लेन करूंगा। अंटिल दैट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।